अब ऐसा क्या हो गया कि रशिया ने मना कर दिया भारत को कि वो डिफेंस सिस्टम सप्लाई नहीं कर सकते? काफी रिपोर्ट्स में ये कवर किया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि असली सच्चाई क्या है। भारत ने रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। टोटल 5 स्क्वाड्रन पर हमारा सौदा हुआ था। 35,000 करोड़ रुपीज हमने पे किए इस पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए। इसमें से 3 तो भारत के पास आ गए। 2024 में रशिया ने कहा था कि हम आपको 2 स्क्वाड्रन भी दे देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए। इसके ऊपर हाल ही में रशिया की तरफ से बयान आता है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमें दिक्कत आ रही है और इसी रीजन के चलते 2 से 2.5 साल आपको डिले का सामना करना पड़ेगा और अगस्त 2026 तक आपको हम वो बची हुई 2 स्क्वाड्रन भी पूरी तरह से दे देंगे। अब सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि रशिया ने मना कर दिया कि भारत के रुपीस को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको काफी दिक्कत आती थी। सो रशिया ने भारत को कहा कि आप चाइनीज करेंसी में पे कर दीजिए हमें इस S-400 के लिए। लेकिन ये चाइनीज करेंसी का नाम सुनते ही भारत कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो फाइनली अब डिसाइड हुआ है कि रशिया S-400 सिस्टम तो देगा, लेकिन उसके बदले में भारत अब रशिया को 24 कार्गो शिप्स देने वाला है और इससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में ट्रेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। S-400 से तो भारत अपने आप को पूरी तरह से लेस कर लेगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे इंडिजिनियसली मेड सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ ही में इजराइल का स्पाइडर क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो रशिया का है ना S-400, ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारत को जो मिल रहा है वो 400 किलोमीटर रेंज वाला है। 400 किलोमीटर तक दुश्मन कोई पर नहीं मार सकता और वही जो चाइना के पास है वो लगभग 300 किलोमीटर का ही रेंज वाला है। सो भारत के लिए ये भी एक काफी बड़ी जीत हुई है कि हम इंडियन रुपीस या डॉलर स्पेंड करने के बजाय 24 कार्गो शिप रशिया को दे रहे हैं और इससे भारत को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और इस भारत के ये स्ट्रेटेजिक मूव के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज आप कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।